देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग। सो इरफान खान डाइज टुडे, सो विल आई, सो विल यू, सो विल एवरीवन हुज हिंदू, हुज मुस्लिम, हुज क्रिश्चियन, जू, जैन, सिख, सब मरेंगे ना। अगर इंसान जिंदगी को मौत की नज़र से देखे तो बहुत खुश रहेगा और ज़्यादा दयालु होगा। ही बी ए काइंड पर्सन। हर रोज इंसान को याद करना चाहिए कि उसका भी टाइम आएगा। आज लोग पैसा कमा रहे होते हैं या झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और अगर मालूम पड़ जाए कि कल तुम मरने वाले हो तो वो सब छोड़ देंगे कि आज तो मरने वाले हो। तो हर इंसान को इस बात से संपर्क हमेशा रखना चाहिए, हमेशा कनेक्शन रखना चाहिए कि आज या कल या अभी या परसों उसका आखिरी दिन हो सकता है। एनीवे, इरफान खान वाज अ ग्रेट एक्टर। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, ऑब्वियसली। एंड ही इज बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली, लेकिन 54 की एज तो बहुत कम है इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए जाने के लिए। गॉड ब्लेस हिज सोल। इरफान, मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लॉटरी चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज निकाली थी तो आपने मुझे फोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया। इरफान, मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूं। इरफान इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान। इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत है, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई। आई एम कंप्लीटली शैटर्ड एंड डीपली सैडन्ड टू नो अबाउट द पासिंग अवे ऑफ very very dear friend and colleague and drama school junior Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very very sad, very sad. India ki tamam tarah ki khabron ke liye Hot Indian News ko subscribe karna na bhulein.